बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमें कंपनी अगर हमें निकाल दे और हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाए, कंपनी कर दे, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो आपको बताता चलूँ, अगर आपको कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर दे, आपको जॉब से निकाल दे, तो फिर आपके पास फिर भी एक 28 दिन का ऑप्शन होता है। आपके पास 28 दिन होते हैं कैंसिल होने के बाद भी, तो आप उतनी देर अगर कोई जॉब ढूंढ लेते हैं तो फिर तो आपका वीज़ा स्टेटस वर्क का चेंज हो जाता है, दूसरी कंपनी के साथ अटैच हो जाता है। और अगर नहीं करते तो 28 दिन भी जॉब नहीं मिलती 28 दिन के अंदर अंदर, तो आपके जब 28 दिन मुकम्मल होने वाले होंगे तो आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, विज़िट वीज़ा ले सकते हैं, जो तकरीबन 3 माह का लेंगे तो 2200 दिरहम का होगा, कम वाला लेंगे तो सस्ता होगा। और नहीं तो आजकल तो हकीकत में बात तो ये है कि आजकल आपको विज़िट वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप दुबई में मौजूद हैं, अगर कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया, जो भी नहीं मिली आपका टाइम भी जो है वो गुजर है, तो क्योंकि विज़िट वीज़ा लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने ऐलान किया हुआ है कि आपका जो है 31 दिसंबर तक आपके वीज़े वैलिड है, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे वो रेजिडेंट परमिट है, चाहे वो विज़िट वीज़ा है, चाहे वो किसी किस्म का टूरिस्ट वीज़ा है, तो 31 दिसंबर तक आपके वीज़े वैलिड हैं। तो आपको इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं, 31 दिसंबर तक अगर आपको जॉब ढूंढ सकते हैं और दूसरी जॉब में जा सकते हो। और ये भी बताता चलूँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमें दूसरी कंपनी ज़्यादा सैलरी दे, हम काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी ज़्यादा सैलरी दे, हम आप क्या करें। तो अगर आपको दूसरी कंपनी सैलरी ज़्यादा दे रही है तो आप दूसरी कंपनी से लेटर ले लें जॉब का, कि आपको जॉब दे दी है उन्होंने, फिर आप पहली कंपनी से रिज़ाइन कर दें, छोड़ दें दूसरी कंपनी में, आप अपनी ट्रांसफ़र कर लें दूसरी तरफ कर लें। और कई मरतबा ऐसा होता है दूसरी कंपनी कहती है कि हम आपको सैलरी ज़्यादा देंगे, अपनी पहली जॉब छोड़ो, आप छोड़ देते हैं, कई लोगों के साथ होता है छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी भी कहती है मैं बाबा हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप पहली कंपनी से जो अच्छी ज़्यादा सैलरी दे रही है तो उससे पहले मुकम्मल लेटर लें कि आपको जॉब मिल गई है, फिर आपने पहली कंपनी को छोड़ना है। बहरहाल अपना ख्याल रखें, कुछ अपडेट्स थी मैंने कब तक पहुँचाऊँ, बहुत से लोग पूछते थे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।